ए वॉम वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट गिरीश कुलकर्णी। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन वन इम्पॉर्टेंट एडवांस रूलिंग प्रोनाउंसमेंट विच इज रिलेटेड टू महावीर नगर शिव सृष्टि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी AAR महाराष्ट्र ARA 19/2021 डेटेड 10th November 2021। तो इस एडवांस रूलिंग प्रोनाउंसमेंट में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को डिस्कस किया गया था। द क्वेश्चन बिफोर द अथॉरिटीज वॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से मेजर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन के सर्विसेज केटर करके लिए थे। एंड द क्वेश्चन विच वॉज द क्लैरिटी ऑन द क्वेश्चन विच वॉज सॉट वॉज पर्टेनिंग टू द एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दोज पर्टिकुलर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एंड वेदर दोज सोसाइटी इज एलिजिबल टू क्लेम इट एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। दैट वॉज द क्वेश्चन। तो दिस वॉज परटेनिंग टू द सेक्शन 17(5) ऑफ CGST एक्ट 2017 विच टॉक्स अबाउट ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। सेक्शन 17(5) में सब क्लॉज बी एंड सी, सॉरी सी एंड डी है, जो विच टॉक अबाउट द ब्लॉक क्रेडिट्स परटेनिंग टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। So we are aware that word construction is defined in the explanation to this section, subsection, and जहाँ पे कहा गया है कि construction will also include repairs, renovation and other related services to the extent capitalized in the books of accounts. तो question before authorities था कि ये eligible ITC है कि नहीं है। तो जो thought process put up की थी taxpayer ने, applicant ने, उसमें ये कहा था कि पॉइंट नंबर वन, सोसाइटी इज अप्लाइंग और प्रोक्योरिंग दोज सर्विसेज ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो बेसिकली सोसाइटी इज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली इज अ सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस। और सेक्शन 17(5) सी एंड डी में जो एक्सेप्शन है वो ऐसा है कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एज अ इनपुट सर्विस ली हुई है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा इफ देयर इज अ आउटपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज बाय दैट रिसिपिएंट। तो यहाँ पे सोसाइटी का एग्जैक्टली कहना यही था कि सोसाइटी बींग अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज प्रोक्योरिंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज and in turn giving outward works contract services to the members of this society, and hence it should be eligible to claim it as a input tax credit. Also it says that jo application of services hai, it is to the plant and machinery owned by the society jo major repair renovation kiya hai. उसके लिए क्या बेस किया था वो फैक्ट से क्लियर नहीं है, बट उनका कहना है कि प्लांट एंड मशीनरी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सेप्शन कवर्ड बाय सेक्शन 17(5) सी एंड डी, कि जहाँ पे कहा गया है कि दिस इमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी जो ब्लॉक्ड है उसमें से एक एक्सेप्शन है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। तो ये थॉट प्रोसेस पुटअप किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। और उनका कहना यह क्लियरली है कि दो यू नो क्लब और अ सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय यू नो मेंबर्स एंड इट इज़ अ सेपरेट दिस थिंग, इट इज नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई एज वेल एज इन एडिशन टू दैट इट इज़ अ सेपरेट बॉडी, सो देर कैन बी अ सप्लाई, बट सप्लाई ऑफ रिलेटेड सर्विसेज ऑफ सोसाइटी ओनली विल बी कंसिडर्ड एंड सोसाइटी कैन नॉट प्रोवाइड अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ऐसे उनका कहना है। सो ऑब्वियसली वॉट द रिजल्ट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट इज दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एलिजिबल इन केस ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ये जो लॉजिक पुटअप किया था एप्लीकेंट ने कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है उसका सब कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर है, तो दैट सीम्स टू बी फेलिंग इन दिस पर्टिकुलर केस एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज। सो दैट वॉज वन पॉइंट। बट मेरा इसमें एक और एक एंगल है देखने का कि वो कहते समय कह रहे हैं कि मेजर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन है, तो वेदर those repairs and renovation are you know increasing the capacity etc of the entire setup,
or it is just repairs and maintenance which are charged off to the P&L profit and loss account? That is an important question which is I think not addressed in this particular application. इसका रीजन ये है कि जो ब्लॉक क्रेडिट है 17.5 सी एंड डी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का, वो टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कैपिटलाइज इन द बुक्स के बारे में ही ब्लॉक्ड है. सो सपोज देर इज अ रिपेयर्स और रिनोवेशन और एनी रिलेटेड सर्विसेज टू द बिल्डिंग एंड इट इज चार्ज टू द P&L अकाउंट एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन दैट केस, इन दैट पर्टिकुलर केस, दिस सेक्शन 17.5 सी एंड डी वुड नॉट अप्लाई इन माई हम्बल ओपिनियन. और ये फैक्ट कहीं पे मिसिंग लग रहा है मुझे एडवांस रूलिंग में, तो इसको जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो दैट वॉज माई ओपिनियन ऑन द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ब्लॉक क्रेडिट 17.5 सी एंड डी. आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटरकसीज रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक सेट ऑफ सेक्शन सब सेक्शन ऑफ CGST एक्ट. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू नॉट फर्गेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन GST. थैंक यू सो मच. गुड डे.